स्टूडेंट्स वेलकम बैक इन होट 221 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर फ्रूट्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स लेक्चर 15 सपोटा। इन दिस लेक्चर आई विल कवर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सोयल क्लाइमेट इम्पोर्टेंट वराइटीज प्रोपोगेशन प्लांटिंग हार्वेस्टिंग यील्ड प्लांट प्रोटेक्शन मेजर्स लाइक इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीजेज। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। स्पोटा इसे स्पोडिला प्लम बुली और चीकू यानी कि हिंदी में अपने इसको चीकू के नाम से जानते हैं और इसे दूसरी कई भाषाओं में बुली या फिर स्पोडिला प्लम के नाम से भी कहा जाना जाता है। बोटनिकल नेम मेलेनकारा एक्रस एक्रस जापोटा सिनोनेम है, ठीक है। मेलेनकारा एक्रस भी कई जगहों पर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा और कई जगहों पर आपको एक्रस जापोटा पर ज़्यादातर आपको लिखा हुआ एक्रस जापोटा मिलेगा, ठीक है। फैमिली इसकी स्पोटेसी है, ठीक है, स्पोटेसी फैमिली का है ये। ओरिजन ट्रॉपिकल अमेरिका यानी कि मैक्सिको का है, ओरिजन इसका उत्पत्ति स्थल मैक्सिको। क्रोमोसोम नंबर 2N26 होते हैं इसके, जो डिप्लोइड क्रोमोसोम नंबर होते हैं गुणसूत्र संख्या होती है वो 26 होती है। फ्रूट टाइप इसका बेरी होता है, फल का प्रकार जो है इसका बेरी। इन्फ्लोरेसेंस जो होता है सोलिटरी होता है साइमोस, ठीक है, एकल कह देते हैं। एडिबल पार्ट मिजोकार्प होता है इसका यानी कि खाने वाला भाग मिजोकार्प। स्पोटा इज क्लाइमेट्रिक फ्रूट, जो स्पोटा है वो क्लाइमेट्रिक फ्रूट होता है, जैसे आम होता है केला होता है सेम वैसे ही इसको भी तोड़ के पकाया जाता है। कहने का मतलब कि जो रेस्पायरेशन रेट होती है वो तोड़ने के बाद बढ़ती है, ठीक है। हिट्रोस्टाइली पिन टाइप प्रेजेंट इन स्पोटा, ये हिट्रोस्टाइली होता है। हिट्रोस्टाइली से मतलब जैसे पिन टाइप और ट्रम टाइप दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं तो इसमें पिन टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं, यानी कि जो स्टिग्मा होती है फीमेल पार्ट थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है, बड़ा होता है थोड़ा सा, ठीक है, तो पिन टाइप के फ्लावर पाए जाते हैं इसमें हिट्रोस्टाइली कंडीशन। फ्रूट्स बियर टर्मिनली इन द लीप एक्सेल, जो फल लगते हैं इसके वो टर्मिनली लगते हैं, मतलब टर्मिनल मतलब जो शीर्ष होते हैं वहाँ पे, और पत्ती के जो धुरी होती है जहाँ एक्स होता है वहाँ पे लगते हैं, ठीक है, टर्मिनली लगती हैं। स्पोटा फ्लावर्स आर प्रोटोगाइनस इन नेचर, जो स्पोटा के फूल होते हैं वो प्रोटोगाइनस होते हैं। प्रोटोगाइनस मतलब गाइनोसियम जो पार्ट होता है वो पहले मैच्योर होता है, फीमेल पार्ट पहले मैच्योर होता है, ठीक है। मैक्सिमम एरिया एंड प्रोडक्शन महाराष्ट्र एंड मैक्सिमम प्रोडक्टिव तमिलनाडु, जो मैक्सिमम एरिया और प्रोडक्शन है सबसे ज़्यादा जो क्षेत्रफल है और उत्पादन है वो महाराष्ट्र का है चीकू के अंदर, और मैक्सिमम जो प्रोडक्टिविटी है यानी कि सबसे ज़्यादा उत्पादकता तमिलनाडु की है। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पोटा इन द वर्ल्ड, इंडिया है जो वो विश्व के अंदर सबसे बड़ा चीकू उत्पादक देश है, सबसे ज़्यादा चीकू भारत के अंदर होता है। स्पोटा इज एनिमोफिलस क्रॉप यानी कि विंड पोलिनेटेड, स्पोटा है जो एनिमोफिलस क्रॉप है, मतलब इसके जो पोलिनेशन होता है क्रॉस पोलिनेशन होता है, ठीक है, तो ये विंड पोलिनेटेड होता है, जिसको अपने विंड पोलिनेशन को एक टर्म के रूप में जाना जाता है एनिमोफिलस कहा जाता है, जो विंड से पोलिनेटेड होते हैं, ठीक है, जो जंतुओं से होते हैं जूफिलस कहा जाता है ऐसे, ठीक है। बहुत से ऐसे प्लांट हैं जिनको अलग अलग पोलिनेशन उनके टाइप से उनको जाना जाता है। फिर है फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन महाराष्ट्र इन 1898 इन ए विलेज कॉल्ड गोलवाड़ी, जो पहले सबसे पहले इसे महाराष्ट्र के अंदर 1898 के अंदर लाया गया, ठीक है, पहले सबसे पहले इसे महाराष्ट्र के अंदर लाया गया था, जहाँ पे भी एक विलेज एक गांव के अंदर घोलवाड़ी के अंदर इसको सबसे पहले लाया गया, ठीक है, 1898 के अंदर घोलवाड़ी जो महाराष्ट्र का एक गांव है वहाँ पे इसको सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, लाया गया था। मिल्की वाइट लेटेक्स ऑब्टेंड फ्रॉम इमेच्योर फ्रूट एंड बार्क विच सोलिडिफाइड व्हेन एक्सपोज टू एयर इज यूज टू मेक चिकल्स, चिकल्स आर यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ च्युइंगम सैचुरेटेड एक्सेट्रा। जो मिल्की वाइट लेटेक्स होता है, जैसे नीचे पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा, जैसे फल तोड़ते हैं ना तो उसमें से कच्चे फल तोड़ते हैं तो उसमें से एक वाइट दूध जैसा दूध या स्त्राव निकलता है, जिसको धूप में जैसे ही हवा में रखा जाता है तो वो हार्ड हो जाता है, कठोर हो जाता है, इसको चिकल्स कहते हैं। जो वो लेटेक्स निकलता है ना उस लेटेक्स का नाम चिकल्स है, जिसका यूज ज़्यादातर जो च्युइंगम बनाते हैं, ठीक है,
चिंगम जो चबाने वाली होती है चिंगम, या फिर जो छोटी छोटी मूर्तियां होती हैं ऐसी मूर्तियां बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है, उस चिकल्स का। ठीक है, जो दूधी है स्त्राव निकलता है सूखने के बाद सॉलिड हो जाता है उसका यूज किया जाता है, जिसको चिकल कहते हैं। ठीक है, चिकल का डेफिनेशन में पूछा जा सकता है कि चिकल्स क्या होता है। फ्लोवर एंड फ्रूट ड्रॉप ड्यू टू टेम्परेचर अबव 43 डिग्री सेल्सियस इन समर। फ्लोवर्स और फ्रूट ड्रॉप मतलब फूल लगे हुए हैं और या फिर फल लगे हुए हैं, तो ज़्यादा टेम्परेचर अगर 43 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है गर्मियों के अंदर तो ये गिर जाते हैं, फ्रूट ड्रॉप हो जाता है। ठीक है, फल भी गिर जाते हैं और फूल भी गिर जाते हैं अगर टेम्परेचर गर्मियों के अंदर 43 डिग्री से ज़्यादा रहता है तो। फ्रूट इज़ ए गुड सोर्स ऑफ डाइजेस्टेबल शुगर, 12-18% पाई जाती है। फ्रूट जो होते हैं वो जो पाचक शर्करा होती है उसके अच्छे सोर्स होते हैं, इसलिए जो भी पेशेंट्स होते हैं ठीक है उनको चीकू खिलाने जा देने की कहा जाता है, डॉक्टर देता है कि भाई इनको चीकू खिलाओ, तो चीकू खाने से क्या होता है कि ये बहुत जल्दी पचने वाली चीज़ होती है, जल्दी पच जाता है चीकू। ठीक है, इसमें और 12-18% तक डाइजेस्टेबल शुगर पाई जाती है। द मोस्ट एक्सेप्टेड एंड कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपोगेशन इज इनार्चिंग यूजिंग रेयान एज ए रूट स्टॉक। जो ग्रेप्स सॉरी चीकू के अंदर जो सबसे ज़्यादा कह लो कि एक्सेप्टेड मेथड है और जो व्यवसायिक तरीके से यूज किया जाता है वो इनार्चिंग है। इनार्चिंग समझते होगे, इनार्चिंग होता है दो पौधों को जिसको अटैच मेथड कहते हैं, दो पौधों को साथ साथ लाया जाता है। ठीक है, उनको बांध दिया जाता है कट लगाकर, फिर जब दोनों जुड़ जाते हैं और जो रूट स्टॉक होता है उसको ऊपर से और जो साइन होती है उसको नीचे से काट देते हैं, तो एक पौधा तैयार हो जाता है। जब जूनियन कंप्लीट होती है उसके बाद काटा जाता है। ठीक है, इनार्चिंग और यूजिंग रेयान एज ए रूट स्टॉक, रेयान जिसको खिरनी कहते हैं। ठीक है, मैं आगे इसका बोटनिकल नेम भी बताऊंगा, वैसे मेलेनकारा हेक्सेंड्रा होता है। ठीक है, तो रेयान को रूट स्टॉक यूज करके सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड मेथड है और सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला मेथड है इनार्चिंग। इसके अलावा सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग यूजिंग रेयान एज ए रूट स्टॉक इज द बेस्ट मेथड फॉर ऑफ प्रोपोगेशन विच इज 93% सक्सेसफुल। सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग जैसे उसके अंदर अपने करते हैं आम के अंदर भी सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग की जाती है, वैसे तो पिकोटेल ग्राफ्टिंग भी करते हैं, सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग भी उसमें की जाती है कुछ हद तक। तो सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग रेयान को रूट स्टॉक यूज करके, खिरनी को रूट स्टॉक के रूप में यूज करके अगर यूज किया जाता है, जहाँ प्रोपोगेशन की जाती है सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग की जाती है, जब पौधा छोटा सा होता है लगभग 10-15 दिनों का, उसी टाइम उसके ऊपर ग्राफ्टिंग कर देते हैं तो इसको सॉफ्टवुड ग्राफ्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो उस अगर इस ऐसी इस टेक्निक का यूज़ किया है तो लगभग 93% सक्सेसफुल मिलती है, मतलब 93% तक आपका पौधा या आपकी जो प्रवर्धन है वो सक्सेसफुल रहेगा, आपका पौधा तैयार हो जाएगा 93% तक। कहने का मतलब कि 93% मतलब उसमें जो मोर्टिलिटी रहती है कुछ कल में तैयार नहीं, उस कुछ पौधे तैयार नहीं हो पाते, कुछ के अंदर जो आपकी ग्राफ्टिंग की हुई होती है वो सक्सेसफुल नहीं होती, पर कुछ पौधे जो तैयार होंगे वो लगभग 93% तक आपके पौधे तैयार हो जाएंगे। द सेंट्रल लीडर सिस्टम इज यूज्ड विदाउट सपोर्ट। सेंट्रल लीडर सिस्टम जो ट्रेनिंग का सिस्टम है, मैंने पहले बताए हुए हैं कई सिस्टम, नहीं बताए पढ़े तो आपने उसमें पढ़ लेना, मेरा जो बेसिक हॉर्टिकल्चर वाला कोर्स है 1-1, उसमें 3 सिस्टम बताए हुए हैं। तो सेंट्रल लीडर सिस्टम है जो केंद्रीय शायद नेतृत्व प्रणाली, तो वो ज़्यादातर इसमें यूज की जाती है बिना सहारा दिए हुए। ठीक है, जिसमें पौधा सीधा बढ़ने दिया जाता है एक हाइट तक। इथेफोन 1000 ppm कैन बी यूज एट 20-25 डिग्री सेल्सियस फॉर यूनिफॉर्म एंड रैपिड राइपनिंग ऑफ सपोटा फ्रूट। इथेफोन एक इथाइलिन का ठीक है सोर्स है, तो 1000 ppm को 20-25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर यूज़ किया जाता है एक जैसे पकाव के लिए और बहुत जल्दी जल्दी पकाव के लिए, एक जैसे और बहुत जल्दी जल्दी पकाव के लिए। जैसे ही फल तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद इथेफोन का यूज़ किया जाता है 20-25 डिग्री सेल्सियस के रूम टेम्परेचर, कह लो रूम टेम्परेचर के ऊपर, एकदम जल्दी जल्दी पकाने की और एकदम कह लो कि एक जैसे पकाने के लिए। ऐसे नहीं कि कुछ फल कच्चे रह जाएँ, कुछ फल पक्के रह जाएँ, ऐसे नहीं कि सारे फल एक जैसे पक जाएँ, यूनिफॉर्म ठीक है एक जैसे पक जाएँ और जल्दी से पक जाएं, इसके लिए इथेफोन यूज करते हैं। इसमें द फ्रूट आर डिप्ड इन GA3 300 ppm प्लस बावस्टीन
1000 ppm solution before packing to extend their life and avoid loss in storage. अगर फ्रूट्स को GA3 जहाँ कह लो कि जिब्रेलिक एसिड के 300 ppm प्लस बावस्टीन एक फंजीसाइड है के 1000 ppm सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं पैकिंग से पहले, ठीक है, जैसे ही अपने उसको डिब्बों में पैक करते हैं, बॉक्स के अंदर पैक करते हैं, उससे पहले अगर ट्रीट करते हैं तो इससे उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है, मतलब वो लंबे टाइम तक स्टोर किए जा सकेंगे, वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी और स्टोरेज के अंदर लॉस भी कम होगा। भाई फल गलेंगे नहीं, कोई एक आध फल गल गया ऐसा नहीं होगा, ठीक है, स्टोरेज के अंदर भी उनकी ये कह लो कि लॉस होगा जो कम होगा, उसको कम करने के लिए GA3 और बावस्टीन का यूज़ किया जाता है। वराइटीज़ कीर्ति भारती फेमस कल्टीवार है वैसे आंध्र प्रदेश की, ठीक है, और थिक स्किन्ड होती है, इसका जो छिलका होता है ऊपर वाला वो मोटा होता है। इसके अलावा क्रिकेट बॉल है, ये भी फेमस है आंध्र प्रदेश के अंदर, काफ़ी पॉपुलर किस्म है आंध्र प्रदेश की। इसके अलावा काली पत्ती पॉपुलर इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के अंदर काली पत्ती। इसके अलावा मुरब्बा, ये भी महाराष्ट्र की ही किस्म है, महाराष्ट्र के अंदर पॉपुलर है। इसके अलावा CO2 क्लोनल सिलेक्शन फ्रॉम बारामासी, जो CO2 वैरायटी है वो बारामासी से निकली हुई किस्म है, क्लोनल सिलेक्शन है उसका। इसके अलावा PKM1 ये एक बोनी किस्म है, ड्वार्फ वैरायटी है, क्लोनल सिलेक्शन फ्रॉम गुत्थी, और जो कि गुत्थी से निकला हुआ है, इसका गुत्थी से निकाला हुआ जहाँ गुत्थी का क्लोन है, ठीक है। इसके अलावा गुत्थी किस्म है इसकी, कलकत्ता स्पेशल राउंड है, ओवल है, बारामासी है, छतरी है, पाला, पीली पत्ती, ये भी एक कह लो कि सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग, जो पीली पत्ती है ये भी हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सुटेबल किस्म है। इसके अलावा बेंगलोर भी इसकी एक किस्म है, ठीक है। इसके अलावा जो हाइब्रिड किस्में हैं इसकी वो है CO1, ये क्रिकेट बॉल इंटू ओवल का क्रॉस है, क्रिकेट बॉल इंटू ओवल। इसके अलावा PKM3 ये काली पत्ती और क्रिकेट बॉल का क्रॉस है। DSH1 ये काली पत्ती और क्रिकेट बॉल का क्रॉस है। DSH2 भी काली पत्ती और क्रिकेट बॉल का क्रॉस है। इसके अलावा CO3 क्रिकेट बॉल इंटू वावी वाल्सा, ठीक है, इन दोनों का क्रॉस है, सुटेबल फॉर हाई डेंसिटी प्लांटिंग और सघन रोपण के लिए उत्तम किस्म है। उसके अलावा क्लाइमेट, ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, और उपोषण जहाँ पे जैसे कहते हैं साउथ का क्लाइमेट है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है, हाई रेनफॉल होता है और माइल्ड विंटर होते हैं, मतलब विंटर बहुत ही कम जब कह लो या मध्यम से टाइप के होते हैं, ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ती, वो क्षेत्र इसकी कल्टिवेशन के लिए उत्तम रहते हैं ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट के अंदर, ठीक है। ह्यूमिड ट्रॉपिकल क्लाइमेट जैसे उसने कहा है कि जैसे बहुत ज़्यादा जहाँ पे बरसात होती है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है और विंटर भी ज़्यादा सीवर नहीं होते, बहुत ज़्यादा कह लो कि ठंड नहीं पड़ती, वो क्षेत्र इसकी कल्टिवेशन के लिए उत्तम रहते हैं। इट इज़ ग्रोन एट एन एल्टीट्यूड ऑफ अबाउट 500 मीटर अबव सी लेवल, इसको 500 मीटर समुंदर तल से 500 मीटर की ऊंचाई तक कल्टिवेट किया जाता है, उगाया जाता है। टेम्परेचर अबव 43 डिग्री सेल्सियस कॉज फ्लोवर एंड फ्रूट ड्रॉप ड्यूरिंग समर, गर्मियों के अंदर अगर तापमान 43 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा चला जाता है तो फ्लोवर और फ्रूट ड्रॉप हो जाता है। द सुटेबल टेम्परेचर इज़ बिटवीन 11 to 34 डिग्री सेल्सियस, जो इसके लिए उत्तम तापमान है वो 11 to 34 डिग्री सेल्सियस है, मतलब इसकी जो कल्टीवेशन की जाती है वहाँ पे टेम्परेचर लगभग 11 to 34 डिग्री के बीच में रहना चाहिए, ज़्यादातर ट्रॉपिकल क्लाइमेट में इतना ही टेम्परेचर रहता है, ठीक है। सोयल के अंदर लोम सोयल ऑफ कोस्टल रीजन, वैसे तो कह लो कि हर प्रकार की मिट्टी में कल्टीवेट किया जा सकता है क्योंकि बहुत सी मिट्टियों में इसको कल्टीवेट किया जाता है। लोम सोयल है जैसे कोस्टल रीजन की, कोस्टल होते हैं तटीय क्षेत्रों की जो लोम सोयल है वहाँ पे इसको उगाया जाता है। इसके अलावा रेड लेटराइट सोयल, जो लाल लेटराइट सोयल है, जो हैवी रेनफॉल एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है, उन क्षेत्रों की जो रेड लेटराइट सोयल है उसमें भी इसको कल्टीवेट किया जाता है। इसके अलावा मीडियम ब्लैक सोयल ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट जो पश्चिमी घाट हैं, ठीक है, जहाँ पे मीडियम ब्लैक सोयल पाई जाती है, मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे भी इसकी कल्टीवेशन की जाती है। वेल ड्रेन बट लो इन कैल्शियम, अच्छे जल निकास वाली होनी चाहिए मिट्टी और उसमें कैल्शियम कम मात्रा में होना चाहिए, ठीक है।
कैल्शियम मिट्टी में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रोपोगेशन एंड रूट स्टॉक। जो स्पोटा है, स्पोटा कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय इनार्चिंग एंड एयर लेयरिंग। जो स्पोटा है या चीकू है, इसको जो कमर्शियली या व्यावसायिक तरीके से इनार्चिंग से या फिर एयर लेयरिंग से तैयार किया जाता है, ठीक है। और रूट स्टॉक यूज़ किए जाते हैं इसमें खिरनी, जिसको मैं अभी मैंने पहले रेयान बोल रहा था, तो रेयान को खिरनी भी कहा जाता है, ठीक है। तो मेलेनकारा हेक्सेंड्रा, इसका जो बोटनिकल नेम है मेलेनकारा हेक्सेंड्रा, एक पिक्चर इधर साइड में दिखाई दे रही होगी खिरनी की। फिर है एडम्स एप्पल, मेलेनकारा काउकी, ठीक है, मेलेनकारा काउकी, एडम्स एप्पल बोल देते हैं इसे, ये भी यूज़ किया जाता है एज ए रूट स्टॉक। इसके अलावा महुआ, मधुका लैटिफोलिया, मधुका इंडिका भी कई बार लिखा हुआ आ जाएगा महुआ का नाम, मधुका लैटिफोलिया या मधुका इंडिका। और महुआ ज़्यादातर जो साउथ के अंदर आम देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके जो फ्लोवर्स होते हैं उससे अल्कोहल भी बनाया जाता है, कलर भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इसके अलावा मीट्री, बेमेसिया लॉन्गीफोलिया, ठीक है, मीट्री, इसको भी यूज़ किया जाता है एज ए रूट स्टॉक। फिर है प्लांटिंग ड्यूरिंग समर, पीट्स ऑफ 60 to 100 क्यूबिक सेंटीमीटर साइज आर डग। गर्मियों के अंदर लगभग 60 से 100 क्यूबिक सेंटीमीटर साइज के खड्डे खोद लिए जाते हैं। प्लांटिंग इज डन एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 x 8 to 10 x 10 meters। जो इसमें प्लांटिंग करते हैं उसमें पौधे से पौधे की दूरी और लाइन से लाइन की दूरी या रो टू रो लाइन जो स्पेसिंग होती है वो 8 x 8 रखी जाती है या फिर 10 x 10 रखी जाती है, ठीक है। वो अपने अपने जो मेथड्स सेलेक्ट कर रहे हैं उसके ऊपर, जो किस्म है उसके ऊपर, या फिर जो लोकेलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि अपने कितनी स्पेसिंग रखनी है, ठीक है। 8 x 8 भी रखी जा सकती है, 10 x 10 meters भी रखी जा सकती है। द बेस्ट टाइम फॉर प्लांटिंग इज द ऑनसेट ऑफ द मानसून। जो सर्वोत्तम समय होता है प्लांटिंग का, रोपण करने का, वो मानसून का समय होता है, जब बरसात स्टार्ट होती है उस समय, शुरुआत के समय इसकी प्लांटिंग करनी चाहिए, रोपण करना चाहिए। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, खाद और उर्वरक, एप्लीकेशन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर इज डन प्री और पोस्ट मानसून। जो गोबर की खाद है उसको हमेशा या तो मानसून से पहले या फिर मानसून के बाद में दिया जाता है, मानसून से पहले भी दिया जा सकता है और मानसून के बाद में दिया जाता है। NP2O5 एंड K2O आर अप्लाइड ट्वाइस ए ईयर। इसके अलावा जो भी फर्टिलाइजर्स हैं जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, वो साल में 2 बार दिए जाते हैं, ठीक है। द फर्स्ट हाफ डोज एट द बिगिनिंग ऑफ द मानसून, जो पहली डोज देते हैं जैसे ही मानसून की शुरुआत होती है, यानी कि प्री मानसून, जैसे जून जुलाई के अंदर, उसके साथ में आप गोबर की खाद दे सकते हो, ठीक है, अगर इस टाइम देनी है तो। एंड द रिमेनिंग हाफ डोज एट द एंड ऑफ द मानसून, उसके बाद जो शेष कह लो जो मात्रा बच जाती है आदि, उसको मानसून के अंत में दिया जाता है, जैसे सितंबर अक्टूबर के अंदर, पोस्ट मानसून कह दो इसको, ठीक है, पोस्ट मानसून के अंदर, सितंबर अक्टूबर के अंदर जो रिमेनिंग डोज होती है वो दी जाती है। फिर है फर्टिलाइजर, जो फर्स्ट 1 to 3 years का जो प्लांट होता है 3 साल तक, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश और एफवाईएम 50, 20, 75 और 50 किलो पर हेक्टर दी जाती है, सॉरी ये ग्राम के अंदर है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश, और गोबर की खाद है जो केजी के अंदर है, मैं लिखना भूल गया, ठीक है, केजी के अंदर है, ग्राम के अंदर और केजी के अंदर, ठीक है। पहले 3 साल तक 50, 20, 75 ग्राम NPK और FYM गोबर की खाद है जो केजी 50 किलो पर हेक्टर, सॉरी पर प्लांट। इसके अलावा 4 to 6 years जब पौधा हो जाता है, 4 से 6 साल का होता है, तब 100 ग्राम नाइट्रोजन, 40 ग्राम फास्फोरस और 150 ग्राम पोटाश, साथ में 50 किलो गोबर की खाद। जब 7 to 10 years का होता है, जब 7 से 10 साल का पौधा होता है, 2000 ग्राम, ठीक है, नाइट्रोजन, 80 ग्राम फास्फोरस और 300 ग्राम पोटाश, साथ में 50 किलो गोबर की खाद प्रति पौधा दिया जाता है, प्रति ईयर दिया जाता है। इसके अलावा 11 एंड अबव, इसके बाद 11 और उसके बाद के जो साल रहते हैं उसमें 400 ग्राम नाइट्रोजन, 160 ग्राम फास्फोरस, 450 ग्राम पोटाश और 50
50 ग्राम वही आपकी जो गोबर की खाद है वो दी जाती है। नेक्स्ट है इरिगेशन, सिंचाई। इरिगेशन शुड बी डन एट एन इंटरवल ऑफ 10 to 15 डेज। इसमें जो सिंचाई की जाती है लगभग 10 से 15 दिनों के अंतराल पर की जाती है, ठीक है। वो ज़्यादातर अपने डिपेंड करती है कि मौसम कैसा है। अगर रेनी सीजन है, अगर ज़रूरत नहीं है तो सिंचाई नहीं की जाती, ठीक है। क्योंकि ये इसे वैसे भी कल्टीवेट किया जाता है वहाँ पे किया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है, जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा रहती है। लैक ऑफ प्रॉपर मॉइस्चर इन द सोयल कॉज फ्लावर एंड फ्रूट ड्रॉप। अगर नमी की कमी रहती है तो इसमें फूल और जो फल होते हैं वो गिर जाते हैं, फूल और फ्रूट ड्रॉप स्टार्ट हो जाता है उसमें, ठीक है। जैसे उसमें टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, अगर 43 डिग्री से, तो भी फ्रूट जो है वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। पर अगर मॉइस्चर की कमी है तो भी फल गिरने की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इंटरकल्चर एंड इंटरक्रॉपिंग, इंटरकल्चर एंड इंटरक्रॉपिंग। शैलो होइंग इज होइंग फ्रॉम टाइम टू टाइम इज़ वेरी बेनिफिशियल। शैलो होइंग होता है हल्की उथली कह लो या हल्की कह लो उथली गुड़ाई करना, मतलब बहुत ज़्यादा गहरी गुड़ाई नहीं करते पौधे के अंदर। समय समय पर इसमें गहरी हल्की गुड़ाई करते हैं पौधों के बीच में और चार्ड के अंदर हल्की गुड़ाई करनी चाहिए। ड्यूरिंग द इनिशियल ग्रोथ फेज ऑफ 4 to 5 years, जो शुरुआत के 4 से 5 साल होते हैं वृद्धि के, तब वेजिटेबल क्रॉप्स स्पेशली लेग्यूम क्रॉप्स कैन बी टेकन। उस समय आप इसमें इंटरक्रॉप के रूप में लेग्यूम क्रॉप्स, जो फली वाली फसलें होती हैं जैसे चवला है, इनको आप कल्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। 4 से 5 साल तक शुरुआती सालों में इसमें कल्टिवेट कर सकते हो जब इसमें प्रोडक्शन कम होता है, ठीक है। क्योंकि जो चीकू है वो लगभग 7वें साल से इकोनॉमिक यील्ड देना स्टार्ट करता है, 7th ईयर बाद लगभग वो भी 100 फ्रूट होते हैं, और ये लगभग कंटिन्यू बढ़ती रहती हैं 30 साल तक, ये कंटिन्यू बढ़ती रहती है 30 ईयर तक, और तब जाके ये कम से कम 1000 से 2000 फल, ठीक है, जो यील्ड में बताऊँगा उपज उसमें आपको बताऊँगा कितने होते हैं, तो लगभग 1000-2000 होते हैं तो वो देता है। पर जो 7वें साल देता है वो लगभग 100 फल देता है, जो कि इकोनॉमिक माने जाते हैं एक पौधे पे। ट्रेनिंग, प्रूनिंग एंड फ्लावरिंग। यंग प्लांट कैन बी स्पोटेड सो दैट दे कैन ग्रो अपराइट। जो यंग पौधा होता है, ठीक है, यानी कि जब अपने प्लांटिंग कर दी, रोपण कर दी, उसको एक सहारा दे दिया जाता है कि जिससे कि वो सीधा खड़ा रहे, सीधी ग्रोथ करे। ओनली ओल्ड ट्रीज आर लाइटली प्रून टू रिमूव क्रिस क्रॉस ब्रांचेज, डेड एंड डिजीज ट्विग्स। और जो पुराने पेड़ होते हैं उनको बहुत ही हल्की छंटाई की जाती है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये नहीं कि चीकू के अंदर हर साल शाखाओं को काटना पड़ता है, ऐसा ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हैवी प्रूनिंग नहीं करते। इसमें लाइट प्रूनिंग की जाती है, वो भी ओनली जो भी कोई बीमारी वाली शाखा है, सूखी हुई शाखा है, या फिर कोई क्रिस क्रॉस शाखा है जिसका अपने को लग रहा है कि इसके हवा अच्छी तरीके से या लाइट ढंग से नहीं पहुंच रही, उन शाखाओं को ही काटा जाता है, नहीं तो इसमें प्रूनिंग नहीं करते। स्पोटा फ्लावर्स थ्रू आउट द ईयर विद मेन 2 फ्लावरिंग सीजन्स। जो स्पोटा है चीकू, इसमें साल भर फ्लावरिंग होती है, मेनली 2 सीजन के अंदर। तो एक तो होता है जुलाई से नवंबर के अंदर, फिर फरवरी से मार्च के अंदर, मतलब 2 बार ये इसमें फ्लावरिंग होती है, जुलाई टू नवंबर, अगेन इन फरवरी टू मार्च, 2 बार होती है, ठीक है। फिर है हार्वेस्टिंग। मैच्योरिटी ऑफ स्पोटा फ्रूट कैन बी जज्ड बाय द फ्लावरिंग पॉइंट्स। जो मैच्योरिटी है फलों की, उनको कुछ पॉइंट्स के अंदर जज की जाती है, भाई अपने को कैसे पता चले कि वो फल पक गया। तो इसके जो मैच्योरिटी इंडाइसेस होते हैं वो इस प्रकार से हैं, फ्रूट चेंजेस टू डल ऑरेंज और पोटैटो कलर। जो फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो उनका जो कलर होता है, ये कह लो कि डल से कह लो कि फीका, ठीक है, हल्का नारंगी रंग से हो जाते हैं, या तो चेंज हो जाते हैं, मतलब नारंगी रंग के हो जाते हैं, हल्के से नारंगी रंग के, या फिर आलू जैसे कलर के हो जाते हैं जब ये पक जाते हैं तो, ठीक है। दूसरा साइन होगा ए येलो स्ट्रैक्स अपीयर इन द फ्रूट ऑन स्क्रैचिंग, इट इज़ ग्रीन इन इमैच्योर फ्रूट। जब अपने फल को खुरचते हैं ऊपर से नाखून से, तो उसके अंदर आपको कच्चा होगा तो ग्रीन कलर की लाइन दिखाई देगी, अंदर से वो ग्रीन दिखेगी छीलने के बाद, ऊपर से हल्का सा खुरचने के बाद अंदर वाला। अगर पक गया हुआ तो वो हल्का सा आपको येलोइश कलर का दिखाई देगा, पीलापन सा लिया हुआ, ठीक है। अगर पीलापन लिया हुआ है तो इसका मतलब फल मैच्योर हो चुका है, इसको हार्वेस्ट कर लेना है। द स्किन बिकम स्मूथ फ्री फ्रॉम ब्राउन स्केली मैटर। जो
फल की स्किन होती है, ऊपर वाला कह लो कि छिलका होता है फल फल का, जब कच्चा होता है उसके ऊपर हल्के हल्के ऐसे कह लो कि रोए जैसे या स्केल से होते हैं, ठीक है। जैसे ही वो मैच्योर हो जाता है, तोड़ने लायक हो जाता है, तो वो स्मूथ हो जाता है, बिल्कुल चिकना हो जाता है, तो उसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। कच्चे पे स्केली मैटर पाए जाते हैं, हल्के हल्के से स्केल से होंगे, कच्चा होगा तो। द कंटेंट ऑफ मिल्की लेटेक्स इज रिड्यूस्ड एंड इट बिकम वाटरी। इसके अलावा जो उसमें लेटेक्स, जिसको अपने चिकल्स कहा था मैंने, ठीक है, उसमें दूध निकलता है, वो दूध कह लो कि कम हो जाएगा और उसकी जगह वो पानी जैसा दिखाई देगा, जैसे रस हो, ठीक है, पानी जैसा हो जाएगा वो दूध लेटेक्स। कच्चे में दूध दिखाई देगा दूध जैसा ही, और जैसे ही पक जाएगा वो दूध पानी जैसा हो जाएगा, वाटरी हो जाएगा। स्पाइन लाइक स्टिग्मा एट द टिप ऑफ फ्रूट फॉल और ड्रॉप ऑफ इजिली व्हेन टच्ड। इसके अलावा जो फल का आगे वाला शीश होता है, ठीक है, वहाँ पे फ्लोवर लगा हुआ रहता है, वो हल्के से अगर अपने टच करते हैं उसको तो वो नीचे गिर जाता है, तो भी कई बार मान लिया जाता है कि वो फल पक गया है। उपज ईल्ड, द ईल्ड ऑफ स्पोटा ट्रीज इंक्रीज टिल द एज ऑफ 30 ईयर, 2000 to 3000 फ्रूट कैन बी ऑब्टेंड एट दिस एज। स्पोटा की जो उपज है, चीकू की उपज है, वो लगभग 30 साल तक बढ़ती रहती है, और लगभग 2000 से 3000 फल इस अवस्था में वो देता है, लगभग 2000 से 3000 फल वो इस अवस्था पे आपको 30 साल बाद मिलेंगे, मतलब 30 साल तक तो उसकी उपज हर साल बढ़ती रहेगी। इन द 7th ईयर अबाउट 100 फ्रूट वुड हैव बीन प्रोड्यूस विच आर कंसिडर्ड इकोनॉमिक। 7वें साल लगभग 100 फल मिलते हैं, जिसको कि इकोनॉमिक माना जाता है, मतलब ये कह लो कि अपने को कुछ बचना स्टार्ट हो गया, कहने का मतलब, ठीक है, कि इकोनॉमिक से मतलब कि अपने को काफ़ी फल हो गए हैं, कि भाई अपने उसको अपने को मुनाफा मिलना स्टार्ट हुआ है, इकोनॉमिक है अपने लिए, आर्थिक तरीके से ठीक है ये। इंसेक्ट पेस्ट, स्टेम बोरर, इंडरबेला टेट्रोनिस, ठीक है, स्टेम बोरर, द ग्रब ऑफ दिस टिनी बीटल पेसेज द बार्क ऑफ द स्टेम ऑफ द स्पोटा। स्टेम बोरर, जैसे पहले नाम से पता लग रहा है, तो तने को शेद कर देती है, इसकी जो छोटी छोटी बीटल्स की ग्रब्स होती हैं, सुंडियाँ होती हैं, बीटल्स की सुंडियाँ, ठीक है, वो यानी कि इसकी जो बीटल है वो एडल्ट स्टेज है, जो ग्रब या लार्वा स्टेज है वो इसकी जो शाखाएं या कह लो या तना होता है उसके अंदर शेद कर देती है। कंट्रोल क्या है, किल द इंसेक्ट बाय इंसर्टिंग ए हार्ड वायर इनटू द टनल। जो भी आपको टनल दिखाई देता है, छेद दिखाई देता है कि भाई यहाँ से उसने बोर किया है, तो वहाँ पे आपको हार्ड एक तार लेना है लोहे का, उसके अंदर मारना है, जिससे कि वो अंदर ही ख़त्म हो जाए, ठीक है, लार्वा। इसके अलावा क्लोज द होल विद ए कॉटन डिप इन कैरोसिन। इसके अलावा आप जो भी होल है उसके अंदर आप अगर तार नहीं मारना चाहते तो उसमें कैरोसिन भर दो और ऊपर से उसको कॉटन से बंद कर दो, उसके ढक्कन लगा दो, एक डॉट लगा दो, ठीक है, डॉट। नेक्स्ट है मिली बग, फेनाकोकस जेरोजोइड्स, ठीक है, सेम जैसे हमेशा हर प्लांट के अंदर आपको मिली बग देखने को मिलती है, सेम अटैक रहता है, द सेप इज सक फ्रॉम द टेंडर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जो रस होता है पौधे के कोमल भागों से वो चूसती है और उसको नुकसान पहुंचाती है, और उसकी जगह ये एक मिल्की लेटेक्स स्त्रावित करती है, जिसके ऊपर बाद में कुछ फंगस ग्रोथ करती है, ठीक है। कंट्रोल है, स्प्रे डाइमेथोएट एट द रेट 30 ml इन 18 liters ऑफ वाटर। डाइमेथोएट का 30 ml को 18 liters पानी के अंदर घोल बनाकर उसका छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा ट्राई टू कीप द स्पोटा प्लांटेशन फ्री फ्रॉम रेड आंस। इसके अलावा जो स्पोटा प्लांटेशन है उसको जो लाल चींटियाँ होती हैं उससे पौधे को फ्री रखना चाहिए, उस प्लांटेशन के अंदर आपको लाल चींटियाँ नहीं मिलनी चाहिए, उनको ख़त्म करते रहना है, क्योंकि ज़्यादातर जो मिली बग होती है वो चींटियाँ ही उसको ट्रांसमिट करती हैं एक जगह से दूसरी जगह पे, दूसरी शाखा पे, दूसरे पौधे पे, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट बोरर, विराचोला आइसोक्रेट्स, फ्रूट एंड समटाइम बर्ड्स आर अट्रैक्टेड बाय बोरर विच कैन बी इजिली डिटेक्टेड बाई लुकिंग एट द लेटेक्स और लेटर क्रिस्टलाइजिंग लेटेक्स। दिस पेस्ट अटैक फ्लोवर बर्ड एंड यंगर लीव्स।
जो ये इंसेक्ट है आपको फ्रूट्स और समटाइम बर्ड्स पे आपको अटैक देखने को मिलेगा, मतलब जो फल होते हैं या फिर जो कलियां होती हैं उनके ऊपर आपको इसका अटैक देखने को मिलेगा, जिसके अंदर ये छेद कर देता है। और इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हो, जब कच्चा फल होता है उसमें से अगर छेद किया हुआ तो वहां पे आपको लेटेक्स निकलता हुआ दिखाई देगा वाइट कलर का, या फिर वहां पे सूखा हुआ क्रिस्टल बना हुआ किसी भी फल के ऊपर अगर आपको लगता है कि छेद तो बंद हो गया पर उसके ऊपर आपको लेटेक्स बाहर निकला हुआ दिखाई देगा उस जगह के ऊपर जहां से उसने छेद किया था। ठीक है, द पेस्ट अटैक फ्लावर बड एंड जंगर लीव्स, जो ये पेस्ट है वो फॉलोवर कलियों पे, फूल वाली कलियों पे और पत्तियों के ऊपर भी अटैक करता है, उनको भी नुकसान पहुंचाता है। कंट्रोल है स्प्रे 0.05% मेलाथियोन, इसका कंट्रोल के लिए आपको मेलाथियोन का 0.05% का छिड़काव करना है, या फिर स्प्रे 0.01% फेनवालारेट, या फिर 0.01% फेनेथियोन, फेनवालारेट या फिर फेनाथियोन का भी आप छिड़काव कर सकते हो। डिजीज कंट्रोल, लीफ स्पॉट, फेयो फेलियो स्पोरा इंडिका, ठीक है, द फंगस कॉज डार्क ब्राउन क्लोजली स्पेस स्पॉट ऑन द लीव्स, जो इस पर इसकी फंगस है, ठीक है, कवक है, वो डार्क ब्राउन कलर के धब्बे दिखाई देंगे आपको पत्तियों के ऊपर, जो कि पास पास होंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं, बहुत पास पास दिखाई देंगे। द स्पॉट्स क्लास एंड फॉर्म लार्ज इरेगुलर वाइट स्पॉट, और ये धब्बे जो होते हैं एक साथ मिल जाते हैं और एक बहुत बड़ा वाइट कलर का धब्बा बनाते हैं, ठीक है, वाइट से कहने का मतलब हल्का सा लाइट कलर का धब्बा दिखाई देते हैं। इवेंचुअली द लीव्स ड्रॉप, उसके बाद पत्तियां घिर जाती हैं। द डिजीज इज मोर सीवियर ड्यूरिंग रेनी सीजन, और ये जो बीमारी है वो ज़्यादातर बरसात के सीजन में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, जहाँ बहुत ज़्यादा प्रकोप डालेगी, प्रभाव डालेगी, ठीक है, घातक होगी। कंट्रोल है स्प्रे ऑफ डायथिन Z78 एट द रेट 0.2% एट 30 डेज इंटरवल, डायथिन Z78 का आपको 0.2% का या फिर 0.2% का 30 दिनों के अंतराल पर आपको छिड़काव करना है। इसके अलावा ग्रो रेजिस्टेंट वराइटीज लाइक CO1 एंड क्रिकेट बॉल, इसके अलावा आप कुछ रोग रोधी किस्में भी उगा सकते हो, जैसे CO1 है, क्रिकेट बॉल है, इसमें ये बीमारी कम देखने को मिलती है। इसके अलावा शूटी मोल्ड, कैपनोडियम स्पीसीज, शूटी मोल्ड ज़्यादातर दी फंगस डिजीज डेवलप ऑन हनी ड्यूज लाइक एक्सट्रैक्टेड बाय स्केल इंसेक्ट एंड मिली बग्स, जो ये बीमारी है आपको जो स्केल इंसेक्ट है या फिर मिली बग के द्वारा जो हनी ड्यू, या कह लो कि एक चिपचिपा पदार्थ जो लेटेक्स निकाला जाता है उसके ऊपर डेवलप होती है इसके कवक, ठीक है। कंट्रोल है इसका स्प्रे जिनेव एट 40 ग्राम इन 18 लीटर ऑफ वाटर, या तो जिनेव का 40 ग्राम का 18 लीटर पानी के अंदर घोल बनाकर छिड़काव करो, या स्प्रे स्टार्च सॉल्यूशन, या फिर आप स्टार्च सॉल्यूशन का छिड़काव करो 100 ग्राम इन 18 लीटर ऑफ वाटर, 100 ग्राम को 18 लीटर पानी के अंदर घोलकर उसका छिड़काव करना है आपको। फिर है फ्लैटनिंग ऑफ ब्रांचेस, ये कई बार आया हुआ है, और जो पिछले वाला पहले वाला कोर्स चलता था, ठीक है, 5th Dean Committee से पहले वाला जो कोर्स था उसमें ये कई बार पूछा गया है फ्लैटनिंग ऑफ ब्रांचेज, और बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनको यही नहीं पता चलता था कि फ्लैटनिंग ऑफ ब्रांचेज क्या चीज़ है, क्या, क्योंकि ये ऐसे लगता नहीं है कि कोई बीमारी है या कुछ भी है, ठीक है। तो फ्लैटनिंग ऑफ ब्रांचेस चीकू के अंदर होता है, ये ज़्यादातर एक बीमारी है जो बोट ट्रायो डिप्लोडिया थियोब्रोमी के कारण होती है, ठीक है, और बहुत से पौधों के अंदर ये बीमारी कॉज करती है, ये वाली जो है, और भी बहुत से पौधों के अंदर आपको देखने को मिलेगी, पर अपने जो है पढ़ने हैं स्पेशली स्पोटा के अंदर। ब्रांचेज और अफेक्टेड ट्री बिकम फ्लैट एंड ट्विस्टेड, जो पौधे की प्रभावित पौधे की शाखाएं होती हैं वो चपटी हो जाती हैं और घूम जाती हैं, ट्विस्ट हो जाती हैं। क्लस्टर ऑफ लीव्स एंड फ्लोवर ऑन अफेक्टेड ट्विग्स, जो पत्तियां होती हैं वो गुच्छों में लगती हैं, ठीक है, गुच्छों में लगती हैं और फूल भी गुच्छों में आते हैं, वैसे तो ये सोलिटरी होता है इसका फ्लोवर टाइप, पर इसके जो फूल आपको देखने को मिलेंगे जब ये बीमारी होगी, तो वैसे भी ये नॉर्मल सीजन जो ग्रोथ का होता है समर सीजन, तब तो ये पौधा नॉर्मल ग्रोथ कर रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती, पर जैसे ही ये बरसात वाला जब दूसरा सीजन होता है उस टाइम आपको ये बीमारी देखने को, जहाँ ये कॉजल ऑर्गेनिज्म का प्रकोप देखने को मिलेगा। इसमें पत्तियाँ जो होंगी क्लस्टर में दिखाई देंगी और फूल भी आपको एक क्लस्टर के अंदर दिखाई देंगे, गुच्छे में दिखाई देंगे। फ्लोवर्स रिमेन इनफर्टाइल
मतलब जो फूल होंगे वो इनफर्टाइल होंगे, फ्लोवर फर्टाइल नहीं होंगे, ठीक है, पोलिनेशन नहीं होगा। द अफेक्टेड ब्रांचेज प्रोड्यूस स्मॉल ड्राई एंड श्रिवल्ड फ्रूट, और जो भी प्रभावित शाखाएं होंगी, ठीक है, उनके ऊपर छोटे सूखे हुए और झुर्रीदार या मुरझाए हुए फल दिखाई देंगे आपको लगे हुए। एंड दीज ब्रांचेज प्रोड्यूस लीव्स ऑफ नॉर्मल ग्रोथ ड्यूरिंग द समर मंथ, और ये जो शाखाएं हैं जिन पे आपको लग रहा है कि ये बीमारी है, वो समर के अंदर नॉर्मल ग्रोथ होंगी उनकी, उनकी कोई ग्रोथ में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और जैसे सीजन चेंज होगा तो ये इसमें ये बीमारी आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो पत्तियां होती हैं गुच्छों में लगती हैं, वो पीले रंग की होती हैं, लाइट हो जाती हैं, येलो कलर की हो जाती हैं, ठीक है। कंट्रोल है, फाइटोसैनिटरी मेजर्स आर बेनिफिशियल, फाइटोसैनिटरी प्लांट स्वच्छता जो उपाय होते हैं उनको हमेशा फॉलो करना चाहिए, मतलब आपका जो ऑर्चर्ड है क्लीन होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का वीड नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे आपको ऑर्चर्ड को मैनेज करना है। थैंक यू।